भोपाल के विवादास्पद चिरायू अस्पताल की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। चिरायू अस्पताल प्रबंधन की नाफरमानियों से आम लोग परेशान हैं। ऐसे में आरटीआई एक्टिविस्ट अजय पाटीदार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे पत्र में चिरायू अस्पताल पर कई आरोप लगाए हैं। भोपाल के चिरायू अस्पताल की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की गई है। शिकायत आरटीआई एवं सामाजिक कार्यकर्ता अजय पाटीदार ने की है। शिकायत में चिरायू पर कई आरोप लगाए गए हैं। राजधानी के चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल की लूट सहित आयुष्मान कार्ड से इलाज ना करना और मरीजों के परिजनों को धमकाना इस शिकायत के प्रमुख बिंदु हैं। इसमें कहा गया है कि आम जनता चिरायू की लूट और कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार से परेशान है। राज्य शासन का चिरायू पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए पीएमओ के हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। कोरोना काल में चिरायू में हुई मौतों की जांच करने का भी आग्रह पीएमओ से किया गया है। शिकायत में मध्य प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया गया है और चिरायू अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है। अजय पाटीदार ने पूर्व में भी पीएमओ को कई शिकायतें भेजी हैं, जिन पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। चिरायू मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध आज प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी है। चिरायू मेडिकल कॉलेज ने भोपाल में जो लूट मचा कर रखी है उसके विरुद्ध प्रधानमंत्री कार्यालय कार्रवाई करे, ऐसा आग्रह किया है। वहीं जो मरीज भर्ती है उनके परिजनों के साथ में जो अभद्रता की जा रही है, आयुष्मान कार्ड धारियों का उपचार चिरायू मेडिकल कॉलेज नहीं कर रहा है, बार बार ये चीज़ें ये बातें सामने आ रही है, इन सबको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी है और उनसे आग्रह किया है कि वे कार्रवाई करें, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है उसका किसी भी प्रकार से चिरायू मेडिकल कॉलेज पर नियंत्रण नहीं है और ना ही वे चिरायू मेडिकल कॉलेज पर किसी भी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मात्र नोटिस दे देना कार्रवाई की श्रेणी में नहीं आता है। नोटिस देने के बाद में क्या साठगांठ होती है उस पर भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।